Hello everyone, this is Mayank Gohit. I passed out from Catch 25 Science Academy in year 2019. And now I'm studying in DJSMB College of Engineering in Computer Science. यहाँ पे Catch 25 के सर प्रीतेश सर वो कुछ सवालों के जवाब चाहते हैं तो let's answer them. Now about life. एक्चुअली ड्यू टू COVID-19 स्टडीज के बारे में तो कुछ ज़्यादा है ही नहीं, सब ऑनलाइन ही चल रहा है, तो उसके बारे में तो कुछ ज़्यादा बताना नहीं चाहूँगा. पर जैसे फर्स्ट ईयर में था तो काफ़ी डिफिकल्ट हो रहा था इंजीनियरिंग के लिए, और कोडिंग वगैरह चलता रहता है अभी तो. और लाइफ के बारे में आई एम एन्जॉइंग वेरी मच, सो दैट्स इट. एक्चुअली जब मैंने 10th पास किया था तो आई वॉजेंट इवन श्योर कि मुझे साइंस लेना है कि नहीं लेना है. तो वहाँ से अगर शुरू करें तो डिफिकल्टी थी बहुत ज़्यादा, कन्फ्यूजन था. पर जैसे 10th के परसेंटेज आए तो श्योर हो गया कि साइंस लेना ही है. अभी कैसा है उसमें कि मेरा एक फ्रेंड था तो उसकी सिस्टर जो थी वो कैच 25 में पढ़ती थी, तो उसका सजेशन ये था कि मुझे मार्क्स अच्छे आए तो कैच 25 को अप्रोच करूँ. मेरे फादर का और मेरा थिंकिंग ऐसा ही था कि क्लासेस थोड़ी ना मैटर करते हैं, मेहनत खुद को ही करना है. पर ऐसा नहीं होता, उसके बारे में हम आगे बात करेंगे. और कैच 25 के बाद फिर मैंने जब एडमिशन लिया था, पहले तो डेमो क्लासेस वगैरह मैंने ज्वाइन किया था. पर कैच 25 का एक चीज़ बहुत अच्छा लगा मुझे कि टीचर्स जो है वो काफ़ी पर्सनली अटेंशन देते हैं, तो वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है बच्चों की लाइफ में. और उसके बाद जैसे मैं चालू हुआ, मैं मॉर्निंग बैच में था पहले, तो फिर मॉर्निंग बैच के बाद मेरा जब कॉलेज स्टार्ट हो गया, टीपी पाटिया में था मैं 11th 12th में, तो कॉलेज स्टार्ट होने के बाद मेरा कॉलेज मॉर्निंग में था तो मुझे इवनिंग बैच ज्वाइन करना ही पड़ा. अभी जब मैं इवनिंग बैच में आया, वहाँ से मेरी असली जर्नी वहाँ से शुरू हुई, क्योंकि इवनिंग बैच में स्टूडेंट ज़्यादा थे और बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते थे मुझे शुरुआत में, क्योंकि मैं सेट हो चुका था मॉर्निंग बैच के साथ. सो तब मेरे लाइफ का पहला डिप्रेशन तब शुरू हो गया कि इवनिंग बैच मेरा सबसे बड़ा दुश्मन. पर जैसे जैसे टाइम गया, मैं सर टीचर्स ने भी मुझे काफ़ी सपोर्ट किया. सो बस ऐसे ही थोड़े थोड़े करके उसमें भी मैं सेट हो गया. उसके बाद शुरू हुई टेस्ट सीरीज. टेस्ट सीरीज में भी कैसा होता है कि हमारे टाइम पे ना संडे टू संडे टेस्ट होती थी, तो वो भी अच्छी जा रही थी, वैसे तो कुछ नहीं था. और जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ा तो टीचर्स लोगों ने भी नोटिस करना शुरू कर दिया कि इन बच्चों में से कौन कौन स्कॉलर्स है करके. तो स्कॉलर बच्चों के लिए कैसा होता है, उन्होंने एक नया बैच शुरू कर दिया. तो उस बैच में कैसा था, लगभग 20-25 स्टूडेंट्स लिए थे ये लोग ने, और अच्छा पढ़ाते थे. JEE के लिए बैच बनाया था तो उसके लिए पढ़ाते थे, उसके लिए अच्छे से टेस्ट लेते थे. हर वीक में 3 दिन 2-2 आवर्स का लेक्चर्स होता था. तो अभी वो लेक्चर्स में कैसा था कि बच्चों को पढ़ा और उनके डाउट्स जो थे वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग थे, क्योंकि JEE ऐसा चीज़ है ना कि उसमें बहुत डाउट्स आते हैं सबको, तो डाउट सॉल्व करते रहो ऐसा ही. और प्रॉब्लम्स देते थे 100-200 ऐसे, पर बड़े बड़े सम्स, जैसे HC वर्मा है ना, उसमें से ऐसे सम्स पूछे जाते थे, तो वो काफ़ी डिफिकल्ट हो रहा था. फिर जैसे जैसे टाइम गया ना, फिर बच्चों ने गिव अप करना शुरू कर दिया. क्यों? क्योंकि JEE हो रहा नहीं है. तो क्या किया, बच्चों ने गिव अप कर दिया, फिर वो बैच बंद हो गया. फिर से जब 12th खत्म होने आ गया ना हमारा, तो सर को फिर से ऐसा लगा कि बच्चों को ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत है. किन बच्चों को? जो बच्चे सच में मेहनत कर रहे हैं उनको ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत है. तो अब तो क्या करना पड़ेगा, पढ़ाना तो पड़ेगा. तो उन्होंने क्या किया, एक और नया बैच बनाया, विबग्योर. अभी विबग्योर बैच ऐसा था ना, उसमें दिन के 7-7 घंटे 6-6 घंटे लेक्चर्स होते थे. अभी वो लेक्चर्स इतने इंपॉर्टेंट थे ना कि उसमें 5 मिनट भी आपने रेस्ट ले लिया, मतलब ध्यान नहीं दिया ना, तो सब गया आपका, पूरे 6 घंटे वेस्ट. ऐसा था. उनमें सिर्फ उन्होंने 5 बच्चों को लिया, कांदिवली ब्रांच, मलाड ब्रांच और अंधेरी ब्रांच. सिर्फ उनमें से 5 या 6, मुझे पक्का याद नहीं है, अप्रोक्स 7-8 स्टूडेंट्स थे उसमें. तो अभी वो स्टूडेंट सबसे स्कॉलर वैसे बोल सकते हो आप, मतलब मैं उनमें से एक था वैसे बोल. अभी उन स्टूडेंट्स का कैसा था कि वो बच्चों को जो भी दोगे ना वो करने ही वाले हैं, ऊपर से एक्स्ट्रा भी करते थे, ऐसा बहुत मेहनती लोग ऐसा. पर कैसा है कि उन बच्चों में से भी जब JEE मेंस का एग्जाम हो गया ना, तो उन लोग में से भी 3-4 लोगों ने गिव अप कर दिया. और दो तीन लोग जो बचे थे ना, उनको सर पर्सनली सबको पढ़ा देते हैं, जैसे प्रीतेश सर है, अवधेश सर है, फिर विनीता मिस और काफ़ी और टीचर्स भी थे, सब मेहनत करते थे, बहुत मेहनत करते थे. और जब JEE मेंस खत्म हो गया ना,
तो उनमें से जब मेंस का रिजल्ट आया, अभी कैसा होता है मेंस का रिजल्ट अप्रैल में आता है और उसके बाद मई में होता है जेईई एडवांस। और मेंस में ऐसा था ना, कुछ 89% के ऊपर वाले ही पास हुए थे, मतलब अबव 89 ओनली पास जेईई मेंस। सो ओनली दे कैन गिव जेईई एडवांस फॉर देयर फ्यूचर लाइफ। सो एक्चुअली पूरे सारे और कुछ 120 स्टूडेंट्स में से सिर्फ मैं अकेला ही था जिसको 89 के ऊपर आया था। मतलब मैं शो ऑफ नहीं कर रहा, पर दैट्स द ट्रूथ। सो जब वो मेंस हो गया ना, फिर मैं अकेला ही बचा था अब तो पढ़ाने के लिए, क्योंकि सीईटी भी हो चुका था, मेंस भी हो चुका था और कोई बोर्ड भी हो चुका था। मतलब सिर्फ एक महीना मुझे पढ़ाना था, ऐसा हो गया था। फिर भी सौरभ सर ने गिव अप नहीं किया। सौरभ सर ने मेरे लिए ऑनलाइन लेक्चर्स अरेंज करके दिए, फिर और भी ऑफलाइन भी मैं घर पे, मतलब ऑनलाइन वैसा कोविड जैसा नहीं था, मेरे टाइम पे सब ओपन था। पर वो टीचर्स जो होते थे वो काफी दूर दूर से पढ़ाते थे, मतलब मुझे याद भी नहीं अभी तो, काफी मतलब आउट ऑफ मुंबई से पढ़ाते थे। तो वो लोग मुझे ऑनलाइन पढ़ाते थे पर वो मुझे नहीं जमा, तो मैंने सर को फ्रेंकली बता दिया कि सर मुझे नहीं जम रहा है करके। तो सर ने बोला एक काम कर, तेरे को जो टीचर्स अच्छे लगते तू वो बता, मैं वो लोग को बोलता हूँ कि पढ़ाए तेरे को करके। तो मैंने नाम दिया 2-3 टीचर्स का, पवन भारद्वाज सर थे उनका नाम दिया, और वो अच्छा गाइडेंस भी देते थे तो मुझे प्रेफरेबल लगा। तो मैंने बता दिया, सर ने बोला कि ठीक है चलेगा करके। और फिर मैंने 2-3 एक मतलब हफ्ते भर वापस लेक्चर्स अटेंड किए, फिर सर ने बोला कि अब तो अपने आप से ही पढ़ क्योंकि तुझे अब ज्यादा प्रैक्टिस की जरूरत है। एंड में ऐसा होता है ना एग्जाम में कि नया नया सीखने बैठोगे ना तो खत्म, कुछ मतलब दिमाग में बैठेगा ही नहीं क्योंकि एग्जाम है सर पे, तो क्या कर प्रैक्टिस कर ऐसा। तो मैंने फुल 15 दिन प्रैक्टिस किया और जेई एडवांस दिया और ऑल इंडिया रैंक 11,000 मेरा रिजल्ट था बस दैट्स। और एंड में तो सीपीएल भी खेला था, वहां से मेरी कैश 25 की जर्नी खत्म हो चुकी। साइंस के बारे में तो मैंने पहले ही बता दिया कि मुझे ज्यादा पता है, आई वाज मतलब इट वाजंट फिक्स्ड कि मुझे साइंस लेना है या डिप्लोमा लेना है। कॉमर्स तो नहीं लेना था, फिक्स था, इसलिए साइंस तो मुझे फिक्स नहीं था। पर 10th का रिजल्ट के बाद साइंस फिक्स हो चुका था कि अब साइंस ही लेना है करके। और एंड अबाउट जेईई एंड सीईटी, तो मैं अपने बारे में बताऊँ तो कि मैं इतना कंफ्यूज था कि मुझे पता भी नहीं था कि आईआईटी के एडमिशन के लिए कौन सा एग्जाम देना है हमें, क्योंकि जेईई सीईटी जेईई एडवांस बिट सेट वो सब के बारे में बहुत कंफ्यूजन था और क्या पता, मुझे पता ही नहीं था। तो जेईई फिर थोड़ा टाइम गया, महीने एक लगभग एक महीने के अंदर मुझे पता चल चुका था कि अब जेईई देना है। तो मेरा तो एंड तक वही गोल था कि जेईई ही देना है करके। पर कैसा होता है कि अभी जेईई के स्टूडेंट्स ऐसा समझते हैं कि सीईटी बकवास है करके, कि सीईटी में पढ़ना नहीं होता, इजी होता है ऐसा। पर अगर आप मतलब आपको फ्यूचर में कुछ करना है सच में, तो आपको खुद के बारे में पता होना चाहिए कि आप जेईई कर पाओगे या नहीं, क्योंकि जेईई आसान चीज नहीं है। अभी मैंने भी जेईई दी है, मुझे पता है कि कितना डिफिकल्ट होता है। और ऐसा नहीं है कि आपसे नहीं हो रहा है, मतलब आप बेकार हो करके, कि आप यूजलेस हो, ऐसा कुछ नहीं है। जिस सीईटी में करके भी लोग काफी आगे जाते ही है, ऐसा कुछ नहीं है। तो वही आप खुद को पहचानो कि आप जेईई कर पाओगे या नहीं। अगर आप जानते हो कि कर पाओगे तो फुल मेहनत करो, अगर नहीं जानते तो मत मेहनत करो। ऐसा ही है कि सीईटी है ना, सीईटी में ऐसा होता है कि ज्यादा प्रैक्टिस बहुत लगता है, आपको बहुत सॉल्विंग करना है, उसमें टाइम कम होता है। मेन चीज वही है कि टाइम मैनेजमेंट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। अभी आप घर पे बैठे बैठे वही 60 सम्स करोगे ना, तो आप आसानी से कर लोगे, आपके सारे के सारे करेक्ट आ जाएंगे। पर सेम चीज अगर आप 2-3 घंटे सीईटी के एग्जाम में करोगे ना, तो वही चीज आपसे नहीं हो पाएगा, मतलब उतना एक्यूरेट नहीं होगा जितना आप आसानी से कर सकते थे। तो वही चीज इम्पोर्टेंट है कि सीईटी में प्रैक्टिस लगता है। और जेईई में कैसे है, जेईई में कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, कितने सम्स करते हो वो इम्पोर्टेंट नहीं है, पर करेक्ट सम्स करो वो इम्पोर्टेंट है। प्राइमरी मेंटर में किसे, मेरे लिए कैश 25 में प्राइमरी मेंटर में कहूंगा तो वो मेरे लिए पवन भारद्वाज सर थे, क्योंकि पवन भारद्वाज सर जो थे वो जानते थे कि एक बच्चे को किस तरह से मतलब मेहनत करनी चाहिए कि वो और आगे बढ़ पाए। क्योंकि कैसा होता है कि अभी 11th 12th में हम समझते हैं कि बच्चा बड़ा हो गया, पर 11th 12th में ऐसा नहीं होता। बच्चा है ना बहुत कंफ्यूज होता है, बहुत, क्यों, क्योंकि उसको पता है ना जेईई करना है, फिर भी वो नहीं समझ पाता कि मुझे कौन से सम्स करने हैं, किस तरह से करने हैं और क्या क्या अप्रोच होने चाहिए। मतलब जो भारद्वाज सर के बारे में बताऊंगा वो पर्सनली भी बहुत ज्यादा इन्वॉल्व होते हैं, क्योंकि बच्चा अभी 4-6 घंटे से बैठा है ना और सर आके बोलेंगे कि और 10 सम कर करके, तो बच्चा ना समझ जाएगा कि भाई ये सर को कुछ पता है नहीं करके।
बच्चा समझदार होता है क्योंकि उसको पता चलता है कि कौन से सर को कितना आता है, तो वो उसी तरह से मतलब सर के सामने रिएक्ट करने वाला है। तो मेरे लिए प्राइमरी मेंटर में पवन भारद्वाज सर को ही बताऊंगा, क्योंकि ऐसा नहीं है बाकी सब टीचर जो है वो खराब है। कैच 25 के हर एक टीचर्स अच्छे हैं, मैं आपको फ्रेंकली बता रहा हूँ और मैं श्योर हूँ इस चीज के बारे में, पर पवन भारद्वाज सर मेरे लिए प्राइमरी। द मोस्ट मेमोरेबल मोमेंट तो मतलब ऐसा था, मेरे लिए तो एम्बरेसिंग था पर बाकी लोगों के लिए बहुत फनी था। ऐसा मैं एक मोमेंट आपसे शेयर करना चाहूँगा कि कैसा था। जब हमारा एक बैच बना था, मैंने बताया था कि 22-25 स्टूडेंट्स का, तो उसमें कैसा था, हर हर वीक में एक टेस्ट होता था। अभी वो टेस्ट काफ़ी डिफिकल्ट होता था, तो 120 मतलब आउट ऑफ 120 कुछ को 30 आते थे, कुछ को 15 आते थे, 10 आते थे, ऐसा था। और मुझे कभी 50 के नीचे आया नहीं था, वो मतलब उतना मेरे को प्राउड था मुझ पर भी। तो एक टेस्ट में कैसा हुआ कि मैंने अकेले ने मॉर्निंग में दिया था और बाकी सारे स्टूडेंट्स ने इवनिंग में दिया था। अभी वो लोग ने कॉपी किया नहीं किया मुझे पता नहीं है, फर्क नहीं पड़ता। तो कैसा था कि टेस्ट दिया और टेस्ट का रिजल्ट भी आने वाला था, आया नहीं था अभी तक। तो मतलब शाम को इवनिंग में हमारा लेक्चर था और मॉर्निंग में रिजल्ट आने वाला था, और मेरा पेपर खराब गया था, मतलब बहुत गंदा गया था, ऐसा मैं बता सकता हूँ। गंदा मतलब ऐसा मत सोचना बंदा स्कॉलर है गंदा मतलब 50 बोलेगा, नहीं मेरे को लगा था 5-6 मार्क्स आने वाला है 120 में से। तो मैं और मेरी एक फ्रेंड थी मेरे साथ में, तो उसमें ऐसा हुआ ना कि जैसे लेक्चर्स हमारे मार्क्स आ गए और मुझे मार्क्स आए कुछ 12 और बाकी सबको आए 50, 40, 35 ऐसा। तो अभी आप हर हर टेस्ट में टॉप मार रहे हो, उसके बाद इतना एम्बरेसिंग होता है ना, लोग ऐसा देखते हैं अपने को ऐसा। और उसके बाद हमारे केमिस्ट्री टीचर प्रीतेश सर का लेक्चर था। अभी वो लेक्चर में एक चीज ऐसा हुआ मुझे याद है कि सर ऐसा मतलब कुछ तो आया प्रॉपर्टीज था करके, कोई ऑर्गेनिक रिएक्शन या कुछ तो एलिमेंट का प्रॉपर्टीज था, और सब में ना कुछ खराबी तो होती ही है जो हम लोग पढ़ते हैं एग्जाम में, तो कुछ खराबी आई। तो सर ने ऐसा बोला कि हर चीज का कुछ ना कुछ खराबी होता ही है, और अभी मतलब जैसे स्टूडेंट्स है सबको गंदे मार्क्स कभी ना कभी तो आते ही है, सब लोग मैंग थोड़ी ना होते, ये सेंटेंस लग गया। क्योंकि बाकी मेरी जो फ्रेंड थी उसको पते थे मेरे मार्क्स, ऐसी हंसी ना हो मतलब मेरे लिए बहुत एम्बरेसिंग मोमेंट था कि ये क्या हो गया करके। वाई अ स्टूडेंट शुड चूज कैच 25 एज फॉर देयर 11th 12th साइंस, सो उसका एक ही आंसर है कि मैंने पहले भी बताया था कि स्टूडेंट कैसा होता है कि माँ बाप सोचते हैं कि बच्चे को पढ़ाई के खुद पे मतलब डिपेंड होना चाहिए, ऐसा क्लासेस का कुछ नहीं होता। तो कैच 25 ही क्यों, क्योंकि देखो एक स्टूडेंट है वो बहुत मेहनत कर रहा है पर वो राइट डायरेक्शन में नहीं करेगा ना, तो उसका कुछ नहीं होने वाला है। क्योंकि JEE CET ऐसी एग्जाम्स है ना कि बच्चा कितनी भी मेहनत करेगा 12 घंटे पढ़ ले, पर उसमें ना क्वालिटी होनी चाहिए कि किस डायरेक्शन में वो पढ़ रहा है। तो वो डायरेक्शन आपको कैच 25 के टीचर्स बहुत अच्छे से दिखाएंगे, क्योंकि आप बाकी क्लासेस में जाओगे वो लोग पढ़ाते तो है, पढ़ाते सब क्लासेस में, पैसा लोगे पढ़ाओगे, पर कैसा होता है कि पढ़ाने में क्वालिटी होनी चाहिए कि किस डायरेक्शन में पढ़ा रहे हो। सब टीचर अच्छा पढ़ाते हैं पर एक स्टूडेंट को किस डायरेक्शन में हमें ले जाना चाहिए ताकि वो और अच्छे से कर पाए। अगर वो चीज आपको मतलब अच्छे से करनी है और आपको गोल्स अपने अचीव करने हैं, तो कैच 25 इज द बेस्ट फॉर देम। तो कैच 25 में टेस्ट सीरीज का कैसा है कि 11th स्टैंडर्ड में तो संडे टू संडे एग्जाम होता है, तो 11th स्टैंडर्ड में अगर आप हो तो मतलब आपका टेस्ट संडे टू संडे ही होगा, और उसमें ज्यादा फोकस नहीं किया जाता क्योंकि मेन मेन जो चीज है वो आपको 12th में ही आनी है। टेस्ट सीरीज के बारे में पहले मैं बताऊंगा कि हमारे टाइम पे कैसा था, मैंने आधा तो बता दिया है कि संडे टू संडे टेस्ट होते थे। उसके बाद जो न्यू बैच बना उसका एक्स्ट्रा टेस्ट होता था, मतलब इंक्लूडिंग संडे उसके अलावा एक और एग्जाम होता था, और फिर वेबग्योर बैच में तो हर वीक में दो तीन एग्जाम्स होते थे। फिर जब मैंने JEE मेंस पास किया ना, उसके बाद टीचर मेरे सौरभ सर ने मतलब ऐसा नहीं था कि मुझे किसी टीचर सामने खड़ा होना चाहिए नहीं तो मैं कॉपी करूंगा, ऐसा तो था नहीं। तो सर ने मुझे काफी सारे पेपर्स कलेक्ट करके दे दिए थे, तो मैं अकेला ही पढ़ता था साइड में बैठ के, पेपर्स ही मैंने सॉल्व किए हैं, उसके डाउट्स जो थे वो टीचर्स को पूछ पूछ के बस ऐसे ही मैंने भी पढ़ाई की। द मोस्ट डिफिकल्ट सब्जेक्ट फॉर मी वॉज केमिस्ट्री एक्चुअली, क्योंकि केमिस्ट्री में कैसा होता है कि आपको केमिस्ट्री 1 था स्पेशली, क्योंकि उसमें कैसा होता है आपको काफ़ी रिएक्शंस काफ़ी थियरी आपको बाय हार्ट करनी होती है, क्वेश्चंस डायरेक्टली पूछे जाते हैं, मतलब फायदा भी बहुत है कि डायरेक्ट क्वेश्चन आ रहे हैं, पर
कैसा ना, मुझे ज़्यादा अच्छा नहीं लगता था, मुझे सॉल्विंग प्रैक्टिसिंग ज़्यादा बेटर लगता था, तो मेरे लिए मोस्ट डिफिकल्ट सब्जेक्ट वॉज केमिस्ट्री। द सब्जेक्ट विच आई एंजॉयड द मोस्ट वॉज फिजिक्स। एक्चुअली मुझे फिजिक्स और मैथ्स इक्वली बहुत अच्छे लगते थे, क्योंकि उसमें बहुत सॉल्विंग कंसेप्ट लगाने हैं, दिमाग लगाना है, सॉल्विंग करनी है। पर स्पेशली फिजिक्स में मुझे प्रॉब्लम सॉल्व करना बहुत अच्छा लगता था, क्योंकि उसमें डेरिवेशन आपको खुद डिराइव करने हैं, फिर उसमें इंटीग्रेशन वगैरह लगाना है, तो मेरे लिए सबसे फेवरेट फिजिक्स था। एक्चुअली मैं सीईटी और जेईई दोनों का बताना चाहूँगा कि मैंने एक दिन पहले क्या किया था। तो सीईटी में जैसा मेरा कैसा था, मैंने आपको पहले भी बताया कि मेरा फोकस टोटली जेईई पे ही था, मुझे सीईटी का ज़्यादा कुछ था ही नहीं। तो सीईटी के एक दिन पहले मैं जेईई के सम सॉल्व कर रहा था, तो जेईई के सम्स पे ही फोकस था मेरा। तो सीईटी के एक दिन पहले तो जेईई, और फिर जेईई के एक दिन पहले और जेईई, ऐसा था। जेईई के प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा था, मैंने कब तक किए थे, शायद एक दिन पहले तक किए ही थे मैंने। फिर जेईई के एग्ज़ाम के दिन मैंने कुछ नहीं किया था, क्योंकि मेरे काफ़ी टीचर्स ने और पापा ने भी बताया था कि ज़्यादा मेहनत एग्ज़ाम के दिन कुछ मत कर, क्योंकि ऐसा होगा ना कि कुछ नहीं आया ना मान लो, तो आपका पूरा फ्रस्ट्रेशन में जाएगा, सब एग्ज़ाम ख़राब हो जाएगा। तो मैं भी ऐसे आपको सजेस्ट करूँगा कि एग्ज़ाम के दिन मत पढ़ना करें, सिर्फ ऐसा लगे तो एक बार रिवाइज कर लो, घुमा लो ऐसा, पर सम सॉल्व मत करना। बिफोर 1 आवर, तो सीईटी के एग्जाम की बात करूँ तो सीईटी के दिन मैं एक फ्रेंड के साथ गया था, तो ऐसे ही अंधेरे पे चिल किया, थोड़ा सोडा वीडा पिया, फिर समोसा खाया ऐसा। सीईटी के दिन क्योंकि ऐसा था कि हमारा वो पवई में आया था वो सेंटर, तो एक तो हम लोग निकले बहुत जल्दी थे, क्योंकि हमारा एग्जाम था 2-3 घंटे बाद एग्जाम था हमारा, तो बहुत चिल किया ऐसा, क्योंकि मेरे लिए तो कुछ नहीं था सीट ऐसा, मेरे को देना था नहीं देना था, नहीं दूंगा तो भी चलेगा ऐसा था। अभी तो मैं उसके ही बेसिस पे हूँ, पर फिर भी, पर वो जो लड़की थी ना उसके लिए बहुत मतलब फोकस थी वो, कि अरे यार सीट ही देना है करके। तो हम दोनों साथ में थे और मैं उसकी खींचे जा रहा हूँ और वो टेंशन में एकदम, तो वैसे सीट ही के दिन तो वही उसमें ही दिन निकल गया ऐसा ही बता सकते हैं। फिर आया रात को घर पे। फिर जेईई के दिन कैसा था, जेईई में मुझे मेरे फादर ड्रॉप करने आए थे पवई सेंटर में, तो बिफोर 1 आवर में बोलूँगा तो मैं घर पे ही था, और घर पे ऐसा सब दही खिला रहे हैं, फिर मम्मी शाबाशी दे रही है, मैं बोल रही है कि पाव छू ले, इसके पाव छू उसके पाव छू ऐसा, तो भगवान को एक बार और बता दे कि भाई मेरे को IIT में लेना है करके, ऐसा सब सीन घर पे चल रहा था। फिर ऐसे ही घर से निकला, फिर जेईई के दिन तो बहुत टेंशन, उधर सेंटर में जाके आधे लोग को मैं देखना हो तो सब पूजा कर रहे कि भाई भगवान ये दे दो, भगवान ये दे दो करके। तो ऐसे ही फिर काफी लोग मेरे बाजू वाला मेरे को बोल रहा है कि बताना करके, तू स्कॉलर दिख रहा है ऐसा बोल रहे, मेरे को कॉन्फिडेंस दिख रहा है मतलब ऐसा बोलता है बताना मेरे को करके। फिर बिफोर 1 आवर तो वही सब टाइम पास ही, आपके लाइफ में भी आप एक्सपीरियंस करोगे ऐसे ही बोलोगे भाई 1 घंटे पहले तो सब टाइम पास ही कर रहे हैं। तो पहले बिफोर रिजल्ट, तो रिजल्ट पता है आने वाला है करके, तो काफ़ी टेंशन होता ही है घर में, सब टेंशन में है, मतलब मुझे लग रहा था कि यार बाहर जाना है करके, किसी से बात कर लूँ करके, पर कोई था नहीं। तो ऐसे ही रिजल्ट के पहले तो नर्वस नर्वसनेस तो होती है कि क्या होगा करके, मेरा भी सेम ही था, पर ऐसे ही बस चल रहा हूँ, किधर टकरा गया ऐसे सीन हो रहे मेरे भी कि एकदम नर्वस। फिर जैसे रिजल्ट आया मेरा, रिजल्ट अच्छा था, आपको भी पता है रिजल्ट अच्छा था, सब खुश। और जैसे मैं मतलब रिजल्ट देखा ना, वैसे कुछ 5 मिनट के अंदर ही पवन सर का पहले कॉल आया, फिर पवन सर से तो मेरी बात हो गई, क्योंकि बता था कि पवन सर को तो बात करना पड़ेगा, क्योंकि अच्छे सर है मतलब खुश हो गए, सबको खुशी मिलनी चाहिए। उसके बाद थोड़ी देर में सौरभ सर का कॉल आया, पर मुझे अब भी याद है सौरभ सर का कॉल मैं पिक नहीं कर पाया था, क्योंकि क्योंकि घर घर के सारे लोग कॉल कर रहे थे, फिर घर पे सब ऐसा एंजॉयमेंट खुश है सब, तो सौरभ सर का कॉल पिक नहीं कर पाया, सॉरी सर मैं अभी आपको बता रहा। पर फिर मैंने सामने कॉल किया था, फिर सारे टीचर्स को मैंने मैसेज किए कि सर ऐसा ऐसा रिजल्ट आया करके। टीचर्स को बिजी होते हैं, उनको याद भी नहीं होता, तो ऐसा दिल पे नहीं लेना चाहिए कि ये सर ने मेरे को पूछा नहीं करके। तो या पहले पवन सर का कॉल आया था।